सबसे पहले देखिए एंग्लो इंडियन, आप एंग्लो इंडियन का जो अर्थ है ना वो आप ऐसे लीजिए कि एंग्लो का मतलब तो होता है अंग्रेज से, ठीक है ना, और इंडिया इंडियन का अर्थ है भारतीय और लिटरेचर का अर्थ है साहित्य, एंग्लो इंडियन लिटरेचर आंग्ल भारतीय साहित्य। तो सिंपल शब्दों में हम एक चीज समझ लें कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो यहां पर अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों का शासन था तो काफी अंग्रेज अधिकारी वगैरह यहां पर आकर के रहते थे, उनके रिलेटिव्स भी यहां पर आते थे, कई राइटर्स भी यहां पर आकर के रहे, कुछ दिन के लिए रहे, चाहे वो एक महीने के लिए रहे या एक साल के लिए रहे, तो उन्होंने यहां की संस्कृति के आधार पर या हम ये कहें कि पूरा जो पूर्व के देश है, ठीक है ना, उन देशों की संस्कृति और धर्म के आधार पर यहां पर उन्होंने कुछ देखा और उन चीजों को उन्होंने अपनी अपने लेखन में शामिल किया। जब पूर्व के देशों की संस्कृति धर्म आदि चीजें अंग्रेजों के लेखन में शामिल हो गई और जो अंग्रेज यहां भारत में आकर के रहने लगे या एशिया महाद्वीप में आकर के रहने लगे और यहां के बारे में लिखने लगे अंग्रेजी भाषा में, कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, तो हम उस लेखन को एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहते हैं। तो ये अंग्रेजी साहित्य की एक शाखा है, ब्रांच है, तो आप इसमें पहली बात या कहीं भी आप कह सकते हो कि इट इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये अंग्रेजी साहित्य क्या है, एक ब्रांच है। तो इसको पूरा समझ लेते हैं, ब्रांच इंग्लिश में लिव्ड इन इंडिया, एंग्लो इंडियन लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य की एक ब्रांच है और ये जो ब्रांच है ये प्रारंभ की गई थी इंग्लिश मीन का अर्थ है अंग्रेजों के द्वारा। अब कौन से अंग्रेज, इंग्लैंड में बैठे बैठे नहीं लिख रहे हैं, जो भी भारत में आकर के रहे, लिव्ड इन इंडिया, ऐसे अंग्रेज, ऐसे इंग्लिश मीन जो भारत में आकर के रहे, चाहे भले वो कुछ दिनों के लिए रहे हो, ज्यादा समय के लिए नहीं रहे हो, लेकिन यहां पर आकर के उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा, तो उस लिटरेचर है, उस लिटरेचर को कहा जाने लगा एंग्लो इंडियन लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का मतलब है अंग्रेजों का साम्राज्य। तो अंग्रेजों का उस समय भारत पर शासन था, ठीक है ना, तो अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसके दौरान ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर लिखा गया, तो इसलिए इसको लिटरेचर ऑफ द एम्पायर भी कहते हैं, साम्राज्य का साहित्य, क्योंकि अंग्रेजों का जो साम्राज्य वो दूर दूर तक पूर्व के देशों में फैला हुआ था, तो ये अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में रह करके और ये साहित्य लिखा, इसलिए इसको लिटरेचर ऑफ द एम्पायर भी कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो संस्कृतियों का मिलन है, या हम कह सकते हैं कि दो संस्कृतियों की बातें हमको इसमें देखने के लिए मिल जाती है, एक तो है ईस्ट और एक है वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर्स, टू डिफरेंट कल्चर्स यू कैन सी इन एंग्लो इंडियन लिटरेचर। एंग्लो इंडियन लिटरेचर में आपको दो संस्कृतियां दिखाई देंगी, एक तो है पूर्व की संस्कृति, एक है पश्चिम की संस्कृति। पूर्व का मतलब है भारत सहित एशिया महाद्वीप के विभिन्न देश, और वेस्ट का मतलब है पश्चिम, यानी कि इंग्लैंड वगैरह और उसके आसपास के देश। अब क्योंकि अंग्रेज भारत में आकर के लिख रहा है तो उसके अंदर पश्चिम की संस्कृति का समावेश तो है, और भारत में रह रहा है तो वो किस संस्कृति को देख रहा है, भारतीय संस्कृति को देख रहा है, तो दो कल्चर्स का ये मिलन कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो कि इसमें दो अलग अलग संस्कृतियां, संस्कृतियों की झलक हमको दिखाई देती है एंग्लो इंडियन लिटरेचर में। एक विद्वान हुए ई एफ ऑटर ने कुछ विशेषताएं निकाली है, तो ये चार विशेषताएं आपको जरूर याद रखनी है। ई एफ ऑटर ने जो विशेषता बताई है कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर में हमको क्या देखने को मिलता है, जब भी हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर उठा करके देखते हैं किसी ऐसे अंग्रेज की के लेखन को, हम जब हम पढ़ते हैं जिसने भारत में रहकर के लिखा अंग्रेजी भाषा में, तो उसमें क्या विशेषता दिखाई देंगी, देखिए एक तो है सेंस ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल का अर्थ होता है, वैसे एग्जाइल का अर्थ होता है देश निकाला, वनवास, और हम और क्या कह सकते हैं इसको, सेंस ऑफ एग्जाइल। एक तरह से इसमें आपको यह देखने को मिल सकता है कि लोग है ना वो एग्जाइल पसंद करते हैं इधर की तरफ, तो इसमें सेंस ऑफ एग्जाइल आपको देखने को मिलेगा, वनवास की भावना, ये एक तरह से त्याग की भावना कह सकते हो आप, सेंस ऑफ एग्जाइल, छोड़ करके जाना, तो सेंस ऑफ एग्जाइल देखने को मिलेगा। दूसरी चीज का क्या है, इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स, इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स, एशियाई धर्मों में रुचि, जिस जिसने एंग्लो इंडियन लिटरेचर लिखा जो पूर्व के देशों की तरफ आए तो उनका बहुत गहन झुकाव था, बहुत इंटरेस्ट था एशियाटिक रिलीजन्स, एशिया महाद्वीप के धर्मों को जानने का, जैसे कि हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे धर्म है, जैन धर्म है, इन सब धर्मों के बारे में उन्होंने देखा कि उनका धर्म तो ईसाई था, क्रिश्चियनिटी था, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी से एक अलग कल्चर को, एक अलग रिलीजन को देखा यहां पर आकर के, और पहले से उन्होंने सुन भी रखा था, तो ये लोग इंटरेस्ट रखते थे। तो जब हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें इन राइटर्स की जो क्रिएशंस हैं, इनके जो कंपोजिशंस हैं, उनमें हमको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, किसमें, एशियाटिक रिलीजन्स में, एशिया महाद्वीप के जो धर्म है
उनमें ये बेहद रुचि रखते थे ये राइट। इसके अलावा जब ये लोग ये अंग्रेज भारत में आए तो उस समय अंग्रेजों का शासन था और उस समय एंग्लो इंडियन ऑफिशियल हुआ करते थे, आंग्ल भारतीय अधिकारी। तो आंग्ल भारतीय अधिकारियों की जो हास्यास्पद बातें हैं उनके बारे में भी उन्होंने लिखा। ह्यूमरस साइड्स ऑफ क्या लिखा हुआ है बताओ, एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ। देखो दोबारा, ह्यूमरस साइड्स ऑफ एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ। तो यहां पर जो अधिकारी वर्ग था अंग्रेजों का, वो किस तरह का जीवन जीता था उसकी झलक आपको मिल जाएगी एंग्लो इंडियन लिटरेचर में, कि वो किस तरह से रहते थे, कैसा व्यवहार करते थे, उनका कार्य करने का तरीका क्या था। तो एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ भी इस लिटरेचर की विशेषता है। इसके अलावा इंडियन नेटिव लाइफ, जो भारत का जो मूल जीवन है, भारतीय मूल जीवन और भारतीय दृश्यों के बारे में भी इस लिटरेचर आपको देखने को मिलता है, तो ये भी एक विशेषता हो जाती है। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर की चार विशेषताएं निकल के आती है, इनको लिखना मस्ट है। सेंस ऑफ एग्जाइल, एंड द सेकंड वन इज इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स। क्या है? इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स। उसके बाद है ह्यूमरस साइड्स ऑफ एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ, और इसके अलावा इंडियन नेटिव लाइफ एंड सीनरी। ये चारों जरूर लिखना, इसी किसी से नंबर मिलेंगे आप, बाकी और फेंकते हैं। अब देखो आप, एंग्लो इंडियन लिटरेचर में जब एक बड़े राइटर का नाम आता है तो उनमें आते हैं रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रूडयार्ड किपलिंग, 1865 टू 1936। तो ये जो रूडयार्ड किपलिंग है, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है साहित्य के लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है रूडयार्ड किपलिंग के लिए। तो ये रूडयार्ड किपलिंग एक बड़ा नाम है एंग्लो इंडियन लिटरेचर के अंदर। अब देखिए आप, एंग्लो इंडियन जो लिटरेचर है, इसका जो गोल्डन एज है, इसका जो स्वर्णिम युग है, जब ये अपने चरम पर था, बहुत शानदार रचनाएं लिखी जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, तो वो समय माना जाता है फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में एंग्लो इंडियन लिटरेचर खूब फला फूला, अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, भारत तो इधर स्वतंत्र हुआ और उधर एंग्लो इंडियन लिटरेचर की डेथ हो जाती है। डेथ कहने का मतलब क्या है कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि अब लिखने वाले नहीं बचे। अंग्रेज यहां रहते थे और यहां के बारे में लिखते थे, अब तो ये है कि जो यहां रहता है वो यही क्या इंडियन है, या फिर कोई आकर के भी अब लिखता है ना तो भी उसको एंग्लो इंडियन लिटरेचर नहीं माना जाता है। एंग्लो इंडियन लिटरेचर तो वही था जो इंग्लिश एम्पायर के समय लिखा गया था, अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान लिखा गया था, अंग्रेजों के द्वारा भारत में रहकर के और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो यह है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। लेकिन अब एंग्लो इंडियन लिटरेचर जैसी कोई ब्रांच नहीं मानी जाती है, ये तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर तो बस 1947 तक ही चलता है, उसके बाद यहां से अंग्रेज चले जाते हैं। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर के नाम से फिर ऐसा कोई टर्म हमें देखने को नहीं मिलता है 1947 के बाद।